कुछ फ्रेंड्स जो जिनका अपना स्कूल है, कॉलेज है या ऑफिस है, या अपने होम के लिए, घर के लिए एक प्रिंटर लेना चाहते हैं, तो जब भी प्रिंटर लेने जाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिंटर लेने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि प्रिंट लेते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। पहली चीज आती है प्रिंटर लेने के लिए, जब भी हम जाते हैं दुकान पर तो हमको दो चीजें समझ में आती है कि लेजर प्रिंटर लें कि इंकजेट प्रिंटर लें। दोस्तों इंकजेट प्रिंटर लेना चाहिए कि लेजर प्रिंटर लेना चाहिए, तो दोनों के लिए मैं थोड़ा सा कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में क्या डिफरेंसेज होते हैं बात अगर की जाए प्राइस की, बात आती है इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंकजेट, तो इसमें इंक का प्रयोग किया जाता है। इंक का मतलब यहाँ पर लिक्विड से है। और अगर बात करते हैं हम लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर में इंक का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो उसको टोनर बोला जाता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। कि अगर आपको कुछ, अब बात यह आती है कि कुछ प्रिंटर जो होते हैं उसमें स्कैनर नहीं होता और कुछ प्रिंटर में स्कैनर होता है। अब बात यह आती है कि आपको किस काम के लेके लेना है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं, तो इनके लिए स्कैनर का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे लोग जब भी प्रिंटर लेने जाएं, जो लोग फॉर्म भरते हैं, तो जब भी प्रिंटर लेने जाएं तो एक चीज ध्यान रखें कि प्रिंटर के साथ में स्कैनर है कि नहीं है। स्कैनर अगर साथ में है तब भी ले, ताकि एक ही प्रिंटर से उनका स्कैनिंग और प्रिंटिंग दोनों का काम हो जाए। अगर आपका फोटो स्टूडियो है, नॉर्मल फोटो स्टूडियो है, आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाने का काम करते हैं, तो आप जो है स्पेशली इंकजेट प्रिंटर लें जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है ये लेजर प्रिंटर की। जब भी आप लेजर प्रिंटर लेने जाएं तो एक चीज का ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए कि आपको केवल टेक्स्ट प्रिंट आउट करना है या पीडीएफ प्रिंट आउट करना है, तो इसके लिए आप जो है वह लेजर प्रिंटर का प्रयोग करें, जिससे कि इसमें कम कीमत में अच्छी प्रिंट आउट निकलती है, मतलब कि लेजर प्रिंटर की कास्ट जो होती है वह कम होती है। अब बात आती है लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं, कलरफुल दोनों में आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इसमें भी आता है और कलर इसमें भी आता है, दोनों आता है। कि अगर आपको प्रिंटिंग की ज्यादा जरूरत है तो आपको प्रिंटर स्पीड भी बड़ा मायने रखता है कि प्रिंटर की स्पीड क्या है, क्योंकि अगर आपकी प्रिंटिंग स्पीड अच्छी नहीं है, मतलब प्रिंटर की स्पीड अच्छी नहीं है, तो आपको दिन भर में मान लीजिए 100 पेज, 200 पेज, 500 पेज प्रिंट आउट करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। इसलिए प्रिंटर का स्पीड देख करके लें, अगर स्पीड अच्छी है तो इंकजेट या लेजर जो भी ले प्रिंटर लेते हो ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि प्रिंटर की क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी अगर अच्छी आ रही है तो किस काम के ले रहे हैं ये भी बड़ा मायने रखता है। अगला पॉइंट ये है कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं, जैसे मान लीजिए कि वाईफाई का प्रयोग करते हैं, नेटवर्क प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, तो जब भी प्रिंटर लेने जाएं तो आपको सुविधा के लिए आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। आप चाहते हैं ये है कि हमारा प्रिंट आउट जो है मोबाइल से भी निकल जाए, या वाईफाई से हो जाए, या नेटवर्क से निकल जाए, तो इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रिंटर किस प्रकार का लें। अगला पॉइंट यह है कि जब प्रिंटर लें तो आप मान लीजिए कि आपने प्रिंटर ले लिया है और आप प्रिंटर को एक सप्ताह में या 10 दिन में या 15 दिन में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या काफी दिन से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका प्रिंटर जो है खराब हो सकता है, उसका इंक जो है वो सूख सकता है और उसका नोजल जो है कार्ट्रिज खराब हो सकता है। तो इसलिए अपने प्रिंट आउट को अगर ज्यादा यूज नहीं हो रहा है तो 10 दिन में 15 दिन में एक बार 2-4 पेज प्रिंट आउट, 1-2 पेज प्रिंट आउट जरूर कर लें, जिससे आपका प्रिंटर जो है अच्छा रहे और प्रिंट इंक उसका न सूखे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए।